बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 1 विच इज फिजिकल क्वांटिटीज, एंड नाउ टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स एंड physical quantities. So listen to me very carefully and be attentive. Branches of physics. There are several branches of physics in which some are mentioned here. Now we will discuss one by one. So the first branch of physics is mechanics, and it is a study of motion of objects. इट कॉजेज एंड इफेक्ट्स। वो कहता है मकैनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम हरकत को स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की हरकत को स्टडी करते हैं, उसकी वजह को स्टडी करते हैं कि इनकी हरकत किस वजह से हो रही है, इनकी मोशन किस वजह से हो रही है और उस मोशन से क्या असरात आ रहे हैं। ऐसी स्टडी को हम मकैनिक्स कहते हैं। आगे आ जाता है हीट, यानी हरारत। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। यानी कि हम नेचर ऑफ हीट को स्टडी करते हैं कि हरारत किस टाइप की है, उसकी नेचर क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र किस किस तरह से जो हरारत है, हीट है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है और उसके ट्रांसफ़र होने पे क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या असरात हो सकते हैं, इन सब की स्टडी को हम कहते हैं हीट। द अदर वन ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज साउंड। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। वो कहते हैं कि ये फिजिकल एस्पेक्ट्स देखता है साउंड के, यानी कि साउंड की किस ऐसी कैसी सोर्स से साउंड आ रही है, जो जिस सोर्स से साउंड आ रहा है उसकी फिजिकल नेचर कैसी है, उसकी वाइब्रेटिंग बॉडी कैसी है, ठीक है, वो वेव प्रोड्यूस कर रही है तो कैसे प्रोड्यूस कर रही है, उसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है और उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी एप्लीकेशंस, उसके आगे यूज़ क्या है, इस सब स्टडी को हम साउंड कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ लाइट। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपने देखा होगा कि ग्लासेस के अंदर से लाइट पास करती है, ठीक है, और जब ग्लास में से लाइट पास करती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क आता है, लाइट में क्या चेंज आता है, या जो हम रिसीव करते हैं उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, या इन्वायरमेंट पर क्या फ़र्क पड़ता है, इस तरह की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लाइट की स्टडी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इट इज़ अ स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। वो कहता है कि ये ऐसी स्टडी है जो कि जो चार्जेज हैं आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उनकी उनको स्टडी करता है कि वो रेस्ट पे हैं, कि वो मोशन पे हैं, ठीक है, उनकी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्जेज आपके जो है वो क्या कहते हैं मोशन में होते हैं, तो जो मोशन की वजह से उनकी आपस में जो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है, मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म, जिसकी वजह से हम एज अ होल इसको कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की स्टडी है। आगे बेटा आपके पास है एटॉमिक फिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। वो कहते हैं कि एटम की साख्त कैसी है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, इस सब की स्टडी को हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, एटॉमिक फिजिक्स। आगे है बेटा आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। वो कहता है कि हम जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है उसकी स्टडी को हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। न्यूक्लियस से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं, उसके अंदर के पार्टिकल्स आते हैं, उसके अंदर सब न्यूक्लियाई पार्टिकल्स हैं, उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियर का इलेक्ट्रॉन्स पे क्या बिहेवियर होता है, एटम के ऊपर क्या बिहेवियर होता है, इस सारी स्टडी को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। आगे बेटा आपके पास प्लाज्मा फिजिक्स है। प्लाज्मा फिजिक्स होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। वो कहता है कि आयंस की स्टडी को, जब आयंस बन जाते हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी एलिमेंट के, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनकी स्टडी को आपस में जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसको हम प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं, ठीक है, और ये फोर्थ फॉर्म भी है मैटर की, जिसको हम कहते हैं आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। जियो फिजिक्स, इस इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। वो कहता है कि जियो फिजिक्स अर्थ की शेप कैसी है, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ का इन्वायरमेंट कैसा है, अर्थ की जो शक्ल है वो कैसी है, अर्थ में पहाड़ है, ज़मीन है, पानी है, इस सब की स्टडी को हम जियो फिजिक्स कहते हैं, ठीक है बेटा। सो दीज आर द ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स विच वी हैव स्टडीड राइट नाउ।
नाउ मूविंग टू योर नेक्स्ट टॉपिक विच इज फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता है बेटा किसको कहा जाता है, कि जो मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आपके पास बताया गया है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि जितनी आपकी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उन सब क्वांटिटीज को उसने कह दिया कि ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं. आपने जो है यहाँ से लेके ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज से लेके ये टेम्परेचर तक मैंने आपको मार्क किया है, ये आपने यहाँ तक याद करना है, ठीक है. वो कहता है जितने भी आप क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ है, अब स्केल है, एक स्केल की लेंथ मेंशन होती है, उस लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं, इसलिए वो एक फिजिकल क्वांटिटी है. मैस है, आप सबका कोई ना कोई वेट होगा, ठीक है, आपके पास चेयर पड़ी है, चेयर का कोई ना कोई वेट होगा, तो ये मैस भी फिजिकल क्वांटिटी है. इसी तरह टाइम है, वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, फिजिकल क्वांटिटी है. ऐसे टेम्परेचर है, वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, इसलिए वो भी फिजिकल क्वांटिटी है. तो फिजिकल क्वांटिटी बेटा आपको समझ आ गई कि फिजिकल क्वांटिटी हर मेजरेबल क्वांटिटी जो है जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है. तो यहाँ पे आपने अभी ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक है. अब वो कहता है कि इसके अंदर आपने देखना है कि जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि इफ़ यू वांट टू बाय 5 kg शुगर, जिसमें 5 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड kg जो है उसका यूनिट है, तो ये मेजरेबल क्वांटिटी बन गई जिसमें 5 न्यूमेरिकल शो कर रहा है और kg यूनिट शो कर रहा है. ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं. इन दोनों का एक फिजिकल क्वांटिटी में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. और फिजिकल क्वांटिटीज भी आपके पास दो किस्म की होती हैं, विच इज बेस क्वांटिटीज एंड सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज. सो फर्स्ट वन इज बेस क्वांटिटीज. वो कहता है कि देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज. जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि दूसरी टर्म्स में एक्सप्लेन की जा सकती हों, ठीक है. जैसे कि उसने कहा देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज, 7 किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और जो कि बेस बनती हैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज का, उन फिजिकल क्वांटिटीज को आप कहते हैं कि दीज आर बेस क्वांटिटीज, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास वो कहता है कि देयर आर 7 विच आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स, यू हैव ड्राइव क्वांटिटीज. Those physical quantities which expressed in terms of base quantities are called derived quantities. यानी कि ऐसी quantities जो कि base quantities की term में express की जाती हों, यानी कि अखज़ की गई quantities, उनको derived quantities कहते हैं. और derived word derivation से निकला है, यानी कि आप किसी चीज़ को solve करके निकालो तो उसको derivation कहते हैं. इसी तरह derived quantities अखज़ की गई. इनके अंदर एरिया आता है, वॉल्यूम आता है, स्पीड आता है, फोर्स आता है, वर्क एनर्जी पावर एट्सेट्रा, ये सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं, ठीक है. और ये सारी की सारी किसी ना किसी बेस क्वांटिटी से मिलके बनी होंगी. तो स्टूडेंट्स ये आपके फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, इसको भी आपने अच्छी तरह कर लेना है. नाउ यू हैव होम असाइनमेंट, यू शुड रीड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंक्लूडिंग बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, ठीक है. हाँ, हमने आज इसकी ब्रांचेज देखी हैं, हमने आज इसका बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज डिस्कस की हैं. आपने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को पढ़ना है और बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट को पढ़ना है, वो भी बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है. तो ये आपकी होम असाइनमेंट है और आपने अच्छी तरह इसको याद करना है और आपने इसको नोट डाउन करना है अपनी रजिस्टर्स के ऊपर. एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको दोबारा से डिलीवर किया जाएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.